आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सैंडविच की रेसिपी। आज आप मेरे वीडियो में देखेंगे, सैंडविच दो लेयर में बनाऊंगी, एक आलू वाले मसाले का और दूसरा वेजिटेबल वाला, एकदम स्ट्रीट स्टाइल और घर के तवे पर सिंपल रेसिपी, बनाना बहुत ही आसान है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो चलिए रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एकदम सी सुपर डिलीशियस रेसिपी है जो आप सुबह शाम चाय के साथ खा सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, इसमें डालेंगे 6-7 लहसुन की कलियाँ, 4 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब इसमें डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, नमक आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें कटे हुए एक टमाटर, आप इसके अंदर दही भी डाल सकते हैं या नींबू का रस भी डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए इसे। तो मैंने खट्टा करने के लिए कुछ नहीं डाला है, टमाटर ही डाला है। तो मैं चटनी हम पीस कर तैयार कर लिए हैं। तो इसके बाद हम लेंगे यहाँ 4 बॉयल आलू, जिसे मैंने मैच करके ले लिया है। इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं, एक आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं फ्रेंड्स। अब मैंने यहाँ पर 2 कटी हुई हरी मिर्च लिया है और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं सबसे पहले। आप बाजार में ठेले पर दुकानों पर बहुत सैंडविच खाए होंगे, तो उससे ज़्यादा हम टेस्टी बनाएंगे। जो आप मार्केट में खा के आते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे, एकदम स्ट्रीट स्टाइल में फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ आएगा। तो आलू हमने मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है वाइट ब्रेड, 3 वाइट ब्रेड लिया है। ये मैंने धनिया के पत्ते की जो चटनी बनाई थी वो चटनी है। अब इस ब्रेड पर ये चटनी हम लगा देते हैं, एक पतली सी लेयर। अब दूसरे ब्रेड पर हम लगाएंगे मेयोनीज। मेयोनीज आपके पास नहीं है तो यहाँ पर टमाटर केचप लगा सकते हैं, या फिर आप जो है सेजवान सॉस भी लगा सकते हैं। तो अब तीसरे वाले ब्रेड पर हम लगाएंगे पिज्जा सॉस। मेरे पास पिज्जा सॉस था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप यहाँ पर टमाटो केचप भी लगा सकते हैं। ब्रेड पे अच्छी तरीके से हमने पिज्जा सॉस लगा लिया है फ्रेंड्स, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो अब इनको हम रख लेते हैं साइड में। तो जो मैंने आलू का मसाला बनाया हुआ था, ये चटनी वाले ब्रेड पे आलू का मसाला लगा देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा मोजरेला चीज लगा देते हैं। मोजरेला चीज नहीं है, जो चीज आप ग्रेट करते हैं कद्दू कसकर भी डाल सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर जो पीस वाली आती है, पीस होती है चीज, वो वाली पीस भी रख सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने जो पिज्जा सॉस लगाया था ब्रेड पर, इसके ऊपर रख देते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़े से बेजिस डालेंगे। तो यहाँ पर कटे हुए प्याज मैंने लिए थे, आप टमाटर, प्याज, खीरा भी डाल सकते हैं, बच्चों को खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत पसंद आता है। एक बार आप बनाकर खिलाएंगे तो बच्चे आपसे बार बार डिमांड करेंगे बनाने और खाने के लिए। यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज के स्लाइसेस रख दिए हैं। अब इसके ऊपर से भी थोड़ा सा हम मोजरेला चीज डाल देते हैं। आप सोचेंगे कि हम चीज़ बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, इसलिए कि मार्केट में चीज़ बहुत हाई मात्रा में डाला जाता है, आप देखे होंगे, खाए होंगे फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर से तीसरा ब्रेड मैंने चिपका दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो तवा मैंने गरम कर लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। आपके पास बटर नहीं है तो आप जो है इसे
तवे पर घी भी लगाकर सेक सकते हैं, घी देसी घी जो घर में होता है। तो मैंने तवे पर लगा दिया है बटर, अब इसके ऊपर से रख देंगे सैंडविच और इसे आराम से सिकने देंगे। थोड़ा सा हाथ से इधर उधर घुमा देंगे इस तरीके से, इसे क्रिस्पी होने तक सिकने देते हैं एक तरफ। तो इसके ऊपर भी अब हम बटर लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो एक तरफ ये सिक चुका है, ये एकदम पिज्जा बर्गर की तरह टेस्ट आता है, जो बच्चों बड़ों को सबको पसंद आएगा। आप अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको पलट देते हैं, देखिए दूसरी साइड आराम से पलटना है, नहीं तो ये गिर जाएंगे टमाटर के पीसेस प्याज के। दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेक लेते हैं आराम से। तो हमारे सैंडविच तो अब सिक चुके हैं, इसको ले चलते हैं प्लेटिंग करते हैं। तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सैंडविच। तो मैंने इसे कट कर लिया है, देखिए अंदर का टेक्सचर, बहुत मज़ेदार की सैंडविच बनी है फ्रेंड्स। आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं, सुबह शाम चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सैंडविच बनके हमारी तैयार है। अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा।